नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त शेफ पीयूष और स्वागत है आपका हंग्री रूट्स पे एक और बेहतरीन वीडियो के साथ। तो चलिए रेसिपी शुरू करने से पहले सामग्री देख लेते हैं। तो चलिए रेसिपी शुरू करने से पहले एक मैरिनेशन बनाना है आपको, यानी कि कुकिंग प्रोसेस के पहले। तो उसके लिए आपको आपके चाप, अदरक लहसुन का पेस्ट, इलायची पाउडर और काली मिर्च का पाउडर, अगर सफ़ेद मिर्च का पाउडर तो और भी बेहतर बात, ये तीनों को लगाना है। और इसी के साथ साथ आपको इसमें दही शामिल करनी है। दही शामिल करके इसको अच्छे से एक बार मिला लीजिए और इसे कम से कम 15-20 मिनट के लिए दूर रख दीजिए। तो चलिए इस रेसिपी की दूसरी भाग की बात करते हैं और आगे रेसिपी के बारे में और जानते रहेंगे। तो जो सेकंड पार्ट है वो है आपका वाइट पेस्ट। ये बहुत ही एसेंशियल पार्ट है इस रेसिपी का, क्योंकि पूरा कलर और क्रीमीनेस इससे ही आता है। इसमें कोई क्रीम वीम का इस्तेमाल नहीं किया जाता है। तो इसे कैसे बनाते हैं देख लेते हैं। तो आपको क्या करना है, एक पैन में पानी बॉयल कर लीजिए, उसमें जितने भी आपके ड्राई फ्रूट्स आप शामिल करने वाले वो डाल दीजिए। तो आज मैं खसखस, मेलन सीड्स यानी कि चार मगज और काजू का इस्तेमाल कर रहा हूँ और कोकोनट का भी इस्तेमाल कर रहा हूँ, बट नारियल उबालने की ज़रूरत नहीं है, नारियल को सीधा पीसते वक्त इस्तेमाल कर लेंगे। तो अब दो तरीके हैं, या तो आप इसको 2-3 घंटे के लिए भिगा के रख सकते हैं, पानी में एक पेस्ट बना सकते हैं, या तो ये क्विक रेसिपी है, आप इसको उबाल लीजिए और बाद में ठंडा होने के बाद एक पेस्ट बना लीजिए। वो जो मैंने आपको दिखाया वो था नारियल, जो कि मैं इसमें नहीं डाल रहा हूँ, ये सीधा पेस्ट लास्ट में शामिल करेंगे। चलिए, लाल मांस और जंगली मांस तो हमने प्रीवियस वीडियोस में देखे, आपने देखे कितने रोबस्ट और मसालेदार करीज हैं वो राजस्थान के। तो उन्हीं के एक अल्टरनेटिव में एक करी बनाने की जब बात हुई थी, यानी कि ऐसी करी जो ऐसे लोग भी खा सके जिन्हें बहुत ज़्यादा चिली या स्पाइसीनेस पसंद नहीं है, तो तब इजाद हुआ सफ़ेद मांस का। सफ़ेद मांस एक बहुत माइल्डली स्पाइस करी है, यानी उसमें होल स्पाइसेस का तो इस्तेमाल होता ही है, बट वो पाउडर नहीं होते, तो वो तीखापन या मसालेदार कुछ होते नहीं है, सिर्फ एक फ्लेवर प्रोवाइड करते हैं। तो मैंने इसमें कई मसाले डाल दिए, मैंने लवंग का, दालचीनी का, तेजपत्ता, सूखी लाल मिर्च, बड़ी इलायची और छोटी इलायची का इस्तेमाल किया है। अगर आपके पास इसमें से कुछ नहीं है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, जितने मसाले आप इस्तेमाल कर सकते हैं। तो अब इसमें मैंने पतले कटे हुए प्याज इस्तेमाल कर दिए। तो कोशिश कीजिए आप जितना पतला काट सके प्याज को उतना काट लीजिए, क्योंकि क्या होता है, ये मीट नहीं है, ये चाप इस्तेमाल कर रहे हैं तो इसका कुकिंग टाइम बहुत कम हो जाता है। अगर आप मटन इस्तेमाल कर रहे हैं तो मटन तो आप बहुत देर पकाते हैं, तो तब तक तो प्याज पूरी तरीके से गल ही जाते हैं। तो इसमें इतना ज़्यादा टाइम नहीं मिलने वाला है आपके प्याज को गलने के लिए, तो इसलिए कोशिश कीजिए जितना फाइन आप काट सके उतना ही फाइन स्लाइस करें। तो चलिए इसे ट्रांसलूसेंट होने तक पकाना है, इसे ब्राउन मत कीजिएगा, इसे ट्रांसलूसेंट होने तक ही पकाइए। अब आप देख सकते हैं हल्के हल्के ट्रांसलूसेंट हो गए हैं, ये ब्राउन नहीं हुए, ये हल्के ट्रांसलूसेंट हुए हैं। तो अब यही समय है जब हम हमारा मांस यानी कि सोया चाप भी ऐड कर देंगे। तो ये सोया चाप हमने फर्स्ट स्टेप में मैरिनेट किया था, आपको याद होगा, वही मैरिनेशन के साथ मैंने सोया चाप डाल दिया। अब इसे अच्छे तरीके से पकाना है हमें। तो चलिए, जैसे ही एक हल्की सी सियरिंग हो जाए चाप पे, यानी कि वो फैट में थोड़े घुल मिल जाए और कलर आ जाए हल्का सा, तो थोड़ा सा पानी शामिल कर दीजिए। तो मैंने तो जो चाप पड़े थे जिस कटोरी में मैरिनेट होके, उसी कटोरी में पानी डाल दिया है। दिस हेल्प्स इन ज़ीरो वेस्टेज, और जितने भी फ्लेवर होते हैं कटोरी में वो भी सारे आ जाएंगे इसमें। तो कोशिश कीजिए आप वेस्टेज ज़ीरो रखिए और ये सारे टेक्निक्स यूज़ कीजिए, आपकी डिश और खूबसूरत बनेगी एंड में। तो चलिए, अब इसको हल्के हाथ से मिला लीजिए। देयर इज़ अनदर स्टोरी टू द बर्थ ऑफ दिस रेसिपी। पूरमाशी की रात पे सिर्फ ऐसी डिशेज इस्तेमाल कर सकते थे जिनका कलर वाइट हो, यानी कि सफ़ेद हो, तो उस रीज़न की वजह से भी इसका इजाद किया गया था।
तो जब तक ये चाप पक रहे थे और प्याज गल रहे थे तो मैंने एक पेस्ट बना लिया। ये पेस्ट उन्हीं ड्राई फ्रूट्स का है जिसको हमने पहले बॉयल किया था और उसके साथ मेरा नारियल भी शामिल कर दिया था, तो मैंने पेस्ट बना के साइड में रख दिया है। मैं थोड़ा सा पानी शामिल कर रहा हूँ हमारे पैन में क्योंकि मैं थोड़ा सा पतला रखना चाहता हूँ इस ग्रेवी को। अगर आप इसे बहुत गाढ़ा बनाना चाहते हैं तो मत शामिल कीजिए पानी। बट एक टिप है कि ये स्टेज पे पानी डालना क्यों ज़रूरी है, क्योंकि आप अपना वाइट पेस्ट डालने वाले, वाइट पेस्ट क्योंकि काजू है, बहुत सारे नट्स हैं, तो वो बहुत हैवी हो जाता है तो वो पैन पे चिपकने लगता है। तो अगर आप पानी नहीं डालेंगे तो संभावना है कि आपका वाइट पेस्ट पैन पे चिपकने लगे, तो ये चीज़ अवॉइड करने के लिए मैंने पानी डाला था। आप भी फॉलो कीजिए, आपका वाइट पेस्ट नहीं चिपकेगा पैन पे। तो चलिए इसे अच्छे तरीके से मिक्स कर लीजिए और इसमें नमक शामिल कर लीजिए और इसे 5-10 मिनट हल्की आंच पे पकाने के लिए छोड़ देते हैं। अब आप देख सकते हैं ग्रेवी कितनी थिक हो गई है। उसका रीज़न यही है क्योंकि इसमें जो नट का पेस्ट हमने इस्तेमाल किया है वो थिकनर का भी काम करते हैं इंडियन क्यूज़ीन में। तो अब पूरे 10 मिनट हो गए हैं, अब मेरी ग्रेवी कम्प्लीटली बन चुकी है। तो अब कुछ नहीं करना है, गैस बंद करना है और सर्व करने का समय आ गया। तो देखा आपने कितनी आसान तरीके से आप सफ़ेद मांस बनाना सीख गए आज। तो अगर आप मटन से बनाएंगे तो ऑब्वियसली आपको टाइम ज़्यादा लगेगा, बट ये सफ़ेद मांस था इसलिए हमारी रेसिपी तो डन है। तो कमेंट्स करके बताइए गाइज आपको हमारा वीडियो कैसे लगा। थैंक यू सो मच वीडियो देखने के लिए। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन ज़रूर दबाइए नए वीडियोज़ के लिए। और थैंक यू सो मच हमारा वीडियो देखने के लिए। इंस्टाग्राम और फेसबुक पे भी फॉलो कीजिए, आईडी है chef_with_a_tattoo। थैंक यू सो मच गाइज, लव यू ऑल, स्टे सेफ, गॉड ब्लेस।